कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव पर पाकिस्तानी आवाम की अक्सरियत को काफी तश्वीश है, लेकिन वो मायूस नहीं, हालात में बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक कोरोना के मनफी असरात से तनख्वाहदार तबके के 54% अफराद मुतासर हुए, 27% बेरोजगार हुए और मजीद 27% ने तनख्वाह में कटौती का बताया। गैलप ने पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर ताज़ा तरीन सर्वे के नतायज जारी कर दिए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे 4 से 16 जून 2020 के दरमियान किया, जिसमें मुल्क भर से 1200 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। नए सर्वे में इंकशाफ हुआ कि सर्वे में कोरोना के फैलाव के सवाल पर 80% आवाम ने तशवीश का इजहार किया, जबकि 15% ने इस बारे में फिक्रमंद न होने का बताया। गैलप पाकिस्तान ने पूछा कि उनको किस हवाले से तशवीश है, तो जवाब में 94% अफराद ने घर वालों की सेहत की हिफाजत के हवाले से तशवीश का इजहार किया, 91% ने अपने माली इंतजाम, 87% ने सेविंग्स के मुतासर होने, 87% ने कुवते खरीद में कमी, 84% ने बुनियादी जरूरियात पूरी करने में परेशानी और 59% ने बेरोजगार होने के डर को अपनी तशवीश की वजह बताई। अलबत्ता सर्वे में ये देखा गया कि 41% अफराद पुरउम्मीद थे कि कोरोना का मसला 6 माह में हल हो जाएगा। सर्वे के मुताबिक 20% का ख्याल था कि इसमें 1 साल लग सकता है, जबकि 13% की राय थी कि इसमें 2 साल या इससे ज्यादा का अरसा लग सकता है। सर्वे के मुताबिक पुरउम्मीद अफराद में नौजवानों की शरह ज्यादा देखी गयी, 30 साल की उम्र के 43% अफराद 6 माह में हालात में बेहतरी की उम्मीद करते नजर आए, जबकि 30 से 49 साल के 41% और 50 साल से ज्यादा उम्र के अफराद में पुरउम्मीद होने की शरह 31% थी।